गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल दैट्स कॉल अ गर्ल. मैं हूँ आकांक्षा. सो गाइज टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू वेट एंड वाइल्ड हाइलाइटर स्टिक. जी हाँ गाइज, इससे पहले भी मैंने कई सारे हाइलाइटर का रिव्यू किया है, लेकिन वो सारे सारे पाउडर फॉर्म में थे, ब्रिक की फॉर्म में आते थे. ये मेरा पहला हाइलाइटर है जो कि मैंने स्टिक वाला लिए है, और ये जो वेट एंड वाइल्ड जो ब्रांड है ये काफी अफोर्डेबल है और उसके साथ साथ बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट भी बनाती है. मतलब ये एक ऐसी ब्रांड है जो बड़ी बड़ी और जो महंगी महंगी ब्रांड्स है उन्हें भी टक्कर दे सकती है. ये क्रुएलिटी फ्री होती है और ये आपकी स्किन को कोई भी हार्म नहीं पहुंचाती. तो गाइज इस टाइप की स्टिक में ये आता है, इस टाइप की इसकी पैकेजिंग है, और आपको ऐसे इसे रोल करके बाहर ये निकल जाएगा. और ये 6 ग्राम आपको प्रोडक्ट मिलता है 399 रुपीज का. और अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे इसे यूज करते हुए अभी कुछ 2 महीने हो गए हैं. 2 महीने पहले मैंने इसे खरीदा था. और गाइस जितने भी मेरे अभी तक के ब्रिक वाले जो हाइलाइटर है उससे ज्यादा अच्छा होता है शिमर, ये स्टिक वाला हाइलाइटर. और वो सब मैं आपको जब मैं इसे अप्लाई करूंगी उसके टाइम पे बताऊंगी कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ. तो पहले आप इसकी इनर पैकेजिंग देख लीजिए, ये कितने अच्छे से पैक्ड आता है. और ये काफी ट्रेवल फ्रेंडली है, आपको ये बहुत ही ज्यादा स्टर्डी है और छोटी सी पैकेजिंग है, तो इसलिए आपको कहीं ले जाने में भी इसे दिक्कत नहीं होगी. इसका जो शेल्फ लाइफ है वो है 4 साल. इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो 2019 में ये इम्पोर्ट हुआ था, मार्च 2019 में. और 2023 6 ग्राम इसका वेट है. तो गाइज और इसके साथ साथ इसमें शायद 2 कलर आते हैं. मैंने ये पिंक कलर लिया है जो कि मुझे लगता है कि स्किन टोन के हिसाब से, मेरी स्किन टोन के हिसाब से बहुत ज्यादा सही है. ये जो फेयर टू मीडियम स्किन टोन होते हैं वो लोग ये पिंक कलर ले सकते हैं. ये है वेट एंड वाइल्ड का मेगा ग्लो हाइलाइटर स्टिक. तो गाइज अभी मैं बात करूंगी कि मैं क्यों बोल रही हूँ जो ब्रिक वाले हाइलाइटर होते हैं उससे ज्यादा अच्छा होता है स्टिक वाले हाइलाइटर. वो इसलिए मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, लेकिन अगर आपने भी कभी हाइलाइटर यूज किया होगा तो आपने भी ये फील किया होगा कि कहीं पर भी जब भी आप कोई भी पाउडर वाला हाइलाइटर लगाते हैं तो ये आपकी स्किन का जो स्ट्रक्चर होता है ना उसे ये उभार देता है. अगर आपके फेस पे कोई भी दाना है या कोई पिंपल है तो हाइलाइटर लगाने के बाद वो और ज्यादा दिखने लगता है. जब आप वीडियो में ये देखते हैं या फिर वो मूवीज में आप देखते हैं हाइलाइटर लगा हुआ, तब वो नहीं दिखाई देता. लेकिन जब आप खुद से उसे अप्लाई करते हैं सेम तरीके से, तो अगर आपने भी ये फील किया होगा तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. जब आप खुद हाइलाइटर यूज करते हैं तो वो फिनिश नहीं आती जैसा कि आप वीडियो में रिव्यू करते हुए या फिर और लोगों को देखते हैं पिक्चर में. जब आप खुद लगाते हैं हाइलाइटर तो आपका फेस अलग से ही मतलब दिखाई देता है, क्योंकि अगर आपके फेस पे जो ओपन पोर है वो भी थोड़े बड़े दिखाई देने लगते हैं, कोई दाना है तो वो भी थोड़ा उभर के आने लगता है, तो ये प्रॉब्लम होती है हाइलाइटर के साथ. तो लेकिन अगर आप स्टिक वाला हाइलाइटर लगाएंगे, क्रीमी बेस अगर हाइलाइटर लगाएंगे तो ऐसा नहीं होगा. तो ये मेरी गारंटी है. मैंने अभी तक 3 हाइलाइटर यूज किए, सारे सारे ब्रिक वाले. ये मेरा पहला स्टिक वाला हाइलाइटर है. तो ये एक ऐसा हाइलाइटर है जिससे आपका जो स्किन का जो स्ट्रक्चर है वो उभर के नहीं दिखाई देता है. तो अभी मैं आपको इसका लगाने का तरीका बताती हूँ. बहुत सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था हाइलाइटर कैसे अप्लाई करते हैं, आप हमें प्लीज बताइए. तो गाइज हाइलाइटर अप्लाई करना ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि सही तरीका क्या है. तो आपको क्या करना है, इसके लिए आपको स्माइल नहीं करना है. आपको हाथ से छू के यहाँ पे देखनी है आपकी चीक बोन्स कहाँ पर है. तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे आपकी चीक बोन्स है, तो वहां पर आप इसे हल्का सा ऐसे लगा लीजिए. ठीक है, ऐसे आपको लगा लेना. और हाँ, एक और भी बात, इसे आपको ब्रश से स्मज नहीं करना है. आपको इसे लगा के एज इट ही छोड़ देना. अगर आप इसे ब्रश से स्मज करेंगे तो इसमें जो स्पार्कल है, जो इसमें स्पार्कलिंग पार्टिकल है, वो बस आपके पूरे फेस पे फैल जाएंगे और वो एकदम अच्छा नहीं लगेगा. तो ये सब मैं आपको बता रही हूँ ट्रिक्स, क्योंकि ये सब मैंने एक्सपीरियंस से सीखी है, ये सब कोई नहीं बताता. तो आपको ये स्टिक वाला हाइलाइटर एक बार ऐसे लगाने के बाद बस सिर्फ डैब 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 कर लेना है थोड़ा सा, ताकि वो लाइन जो हार्श लाइन है वो चली जाए. ठीक है, इस तरीके से. कोई ब्रश आपको लेने की जरूरत नहीं है इस हाइलाइटर को यूज करने के लिए. आप देख रहे हैं हल्का सा ये ग्लो देता है, जितना आपको चाहिए नॉर्मल उतना ही ग्लो देता है. इस साइड ग्लो नहीं है और इस साइड ग्लो है, सिर्फ उतना ग्लो जितना आपको चाहिए. और उसी तरह आपको इस साइड भी लगा लेना है. आप 2-3 लेयर में इसे लगा सकते हैं, उसके बाद अपनी फिंगर की हेल्प से डैब 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 करके जो हार्श लाइन है उसे बस हटा दीजिए. कोई ब्रश आपको यूज नहीं करना है इस हाइलाइटर को यूज करने के लिए. ये देखिए गाइस,
और इसी तरह आपको नाक पे लगाना है अपनी, आपको नाक पे लगाने के लिए एक पॉइंट यहाँ पे लगाइए और एक पॉइंट यहाँ पे लगाइए और उसके बाद दोनों को इस तरीके से मिला दीजिए। और सिमिलरली आपको अपने यहाँ पे लगाना होता है हल्का सा और यहाँ पे आपको लगाना होता है, और सिमिलरली ऐसे ही अपनी फिंगर से डैप 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 करके आप इसे दबा सकते हैं, और आप चाहें तो ये छोटी जगह पे आप अपनी फिंगर की हेल्प से भी हाइलाइटर लगा सकते हैं। तो गाइज देखिए ग्लो भी आपके फेस पे आ गया है। अगर आपको थोड़ा सा ज्यादा चाहिए, नाइट का फंक्शन है तो थोड़ा सा इसे ज्यादा लगा लिए, तो जो मैंने आपको बताया है वैसा मैं लगाना पसंद करती हूँ पर्सनली, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा ग्लो ही पसंद नहीं है। ग्लो होना चाहिए लेकिन एकदम सटल ग्लो होना चाहिए, तो उसी टाइप से मैंने आपको सिखाया है। अगर आपको थोड़ा सा ज्यादा चाहिए तो एक दो लेयर और लगा लीजिए, लेकिन हाथ से ही डैप 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 करके एंड यू आर डन। सो यही मेरा रिव्यू था। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि कौन सा हाइलाइटर बेस्ट है तो मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं बोलूंगी, मैं आपसे बोलूंगी पाउडर हाइलाइटर से ज्यादा अच्छा है स्टिक वाला हाइलाइटर। आई होप कि आपको ग्लो मेरे फेस पे दिखाई दे रहा है ये हाइलाइटर को यूज करने के बाद, तो वो सटल ग्लो है फेस पे, ऐसा नहीं है। आप बिफोर एंड आफ्टर की ये देखिए कि जब मैंने हाइलाइटर नहीं लगाया था तो आपको थोड़ा अंतर मेरे चेहरे पे दिखाई देगा। सो ओके गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, सी यू, बाय बाय।